हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों में से कोण भुजा कोण कसौटी यानी ASA सर्वांग समता नियम पर चर्चा की। आज हम कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांग समता नियम पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यदि दो त्रिभुजों में उनके दो कोण बराबर हैं, तो निश्चित ही तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो क्या किसी भी दो त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होने पर हम उन त्रिभुजों को सर्वांगसम कह सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हम ऐसे बहुत से त्रिभुज बना सकते हैं जिनके तीनों कोण तो बराबर हैं, परंतु तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। यह समरूप यानी सिमिलर अवश्य हो सकते हैं, परंतु सर्वांगसम नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए केवल तीनों कोणों का बराबर होना पर्याप्त नहीं है। लेकिन यदि इनकी कोई भी एक भुजा बराबर हो, इसलिए यह त्रिभुज ASA सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम होंगे। यदि हमें यहाँ इस कोण की कोई जानकारी न दी हो, तो हम इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांगसमता कैसे जांच सकते हैं? हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कोण A कोण T के बराबर है, कोण B कोण R के बराबर है, और अगर हमें भुजा BC भुजा RS के या फिर भुजा CA भुजा ST के बराबर दिया जाए, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कह सकते हैं AAS सर्वांगसमता कसौटी के द्वारा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज में यदि दो कोणों का युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे ही हम कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने कोण कोण भुजा कसौटी यानी AAS सर्वांगसमता नियम पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।